नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार और लेट्स टॉक इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है ना। कल तक हमने प्राकृतिक वनस्पति का वीडियो देखा था, जो चर्चा की थी। प्राकृतिक वनस्पति में क्या था कि अपने भारत में कौन कौन से वन कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, है ना। जलवायु के हिसाब से हमने वनस्पति को देखा, है ना। पूरी वनस्पति याद होने के बाद अपन अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, वनस्पति का संरक्षण। यानी अपन जो बायोडायवर्सिटी है या प्राकृतिक वनस्पति है उसका संरक्षण कैसे करेंगे, है ना। इसमें देखेंगे सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए हैं वन्य जीवों के बारे में और पेड़ पौधों के बारे में, है ना। क्योंकि लगातार जो है पेड़ पौधे और वन्य जीव जो है विलुप्त हो रहे हैं, तो विलुप्त होने के बचाने के लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं ना। गवर्नमेंट के कौन कौन से प्रयास हुए, कौन कौन से अधिनियम कानून बनाए हैं ना, कितने परसेंट भाग पे वन होने चाहिए, इन टॉपिक के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो लेते हैं अपन टॉपिक। सबसे पहले है वन संरक्षण, है ना, यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन ना। सबसे पहले जब भारत जैसे ही देश आजाद हुआ था, उसी समय क्योंकि भारत में वन का परसेंट बहुत कम था, तो सबसे पहले भारत में वन संरक्षण की नीति बना दी थी। बहुत पहले की बात है, 1952 की बात है। उस समय भारत सरकार ने वन्य जीवों के बारे में सचेत हो गई थी कि भारत में जो है लगातार वनस्पति की हानि हो रही है, उसको देखने के लिए इन्होंने सबसे पहले अधिनियम बनाया था, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1952। कानून ही नहीं बनाया था, नीति बनाई थी, इसलिए नीति लिखा हुआ है ना। वन संरक्षण नीति बनाई थी, अधिनियम नहीं बनाया था 1952 में। इसमें इन्होंने कहा था कि भारत के कुल एरिया के 33% भाग पर वन होने चाहिए। भारत का कुल क्षेत्रफल अगर आपने देखा हो ना, तो 32 लाख ना 87,263 वर्ग किलोमीटर है, 87,263 किलोमीटर स्क्वायर ना। अगर आप लाख में देखें तो 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये भी आप लिख सकते हो, कई बार कहते हैं भाई किताबों में ऐसे लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही देख लेना, है ना। तो उस टोटल एरिया में से 33% भाग पर भारत के जो है वन होने चाहिए, है ना। लेकिन वर्तमान में वन कितना है, विडंबना है, आजादी के इतने साल बाद भी भारत के पास मात्र 24.62% वन है ना, 24.62% भाग पे वन है। जबकि टारगेट उस समय 1952 में रखा था 33% का, है ना। उस टारगेट से आज भी अपन लगभग 10% पीछे चल रहे हैं, 9-10% उस टारगेट से पीछे। और उसमें भी सारे वन के पेड़ पौधे भी काउंट हुए। सघन वन की बात करें तो मात्र 3%, 3.5% भाग पर सघन वन मिलते हैं। यानी भारत की स्थिति जो है विश्व में प्राकृतिक प्रकृति के हिसाब से, वनस्पति के हिसाब से दयनीय देशों में आती है ना, काफी अपन पीछे है। इसलिए इसका संरक्षण करना जरूरी हो गया है, ताकि आने वाले जो अपने पीढ़ी है उनके लिए अपन वन बचा के रख सके। अब अपन राज्यों की बात करें तो भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत में पूछे तो आपको बताना है मिजोरम। भारत में सर्वाधिक वन, ना प्रतिशत में पूछे तो वो लिखना है मिजोरम। मिजोरम राज्य के 85% भाग पे वन है ना। और भारत में ना, भारत में सर्वाधिक वन यहां तो प्रतिशत है, और सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में पूछे तो अपना सबसे बड़ा राज्य था पहले, अब तो राजस्थान है, पहले मध्य प्रदेश था, तो यहां लिखना है मध्य प्रदेश। ये दो चीजें याद रखें, है ना। सर्वाधिक सबसे कम वन का है, सबसे कम वन, तो हरियाणा मात्र 3% भाग पे वन है, क्योंकि अधिकतर भूमि खेती लायक है, सारे जंगल काट दिए और वहां खेती की जा रही है ना। तो सर्वाधिक प्रतिशत में पूछे तो राज्य आ जाएगा मिजोरम। मिजोरम क्योंकि छोटा है इसलिए क्षेत्रफल में पूछे तो लिखना है मध्य प्रदेश, ठीक है ना। बाकी जो डाटा है वन के बारे में ज्यादा अपने को ध्यान में नहीं रखना है ना, क्योंकि बहुत सारा डाटा है, पूरी टेबल है, उस टेबल के बारे में अपने को याद रखनी पड़ेगी, तो इतना डाटा याद नहीं रहता है। तो उसके लिए अपने को सर्वाधिक वन कौन से राज्य में है, कितने परसेंट है, मिजोरम लगभग 85-87% भाग पर वन है,
और सर्वाधिक क्षेत्र में पूछे तो मध्य प्रदेश में है ना, और सबसे कम वन जो है वो पंजाब और हरियाणा, पहला फर्स्ट नंबर पे आपके हरियाणा है ना कम में। फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं वन्य जीव या वन को संरक्षण करने के लिए अपने को ये दो काम करने पड़ेंगे, किसके लिए ना, ये वन संरक्षण की विधियां है ना, वन संरक्षण को बढ़ावा देने वाली तरकीबें है ना, यानी आप गांव में या शहरों में वनों को कैसे बढ़ाएंगे। तो पहला है सामाजिक वानिकी ना, आप सोशल तौर पे सामाजिक स्तर पे आप क्या क्या प्रयास करेंगे कि आपके वन क्षेत्र का एरिया बढ़े। तो सामाजिक वानिकी का मतलब है कि गांव वाले समाज वाले मिलकर, नगर पालिका या ग्राम पंचायत ये लोग मिलकर आपस में, कुछ एनजीओ वगैरह मिलकर ना, कहीं पार्क हो, कहीं खाली जमीन हो, स्कूल के मैदान हो, किसी भी एरिया में हो, पेड़ पौधे लगाए, उनको बड़ा करें, वो कहलाती है आपके सामाजिक वानिकी। और सामाजिक वानिकी भी दो रूप इसलिए दिए कि शहरों में अलग टाइप की होती है, गाँव में अलग टाइप की होती है। शहरों में क्या होगी, शहरों में उद्यान होंगे, बगीचे होंगे, ज्यादातर गाँव के बीचों बीच में उद्यान होता है, और गाँव में खूब जमीन पड़ी है, गोचर भूमि पड़ी है ना, स्कूल की भूमि, गार्डन वगैरह पड़े हैं, है ना, जो आपके बंजर भूमि पड़ी है ना, ऐसे एरियाज है जहां पर पंचायत, ग्राम पंचायत और वहां के लोग मिलकर वन लगा सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं। आजकल नरेगा योजना भी है, इसके अंतर्गत अपने ये पेड़ पौधों का लगाने का काम किया भी जा रहा है। तो ये कहलाता है सामाजिक वानिकी, यानी सरकार नहीं, लोग अपने स्तर पर जागरूक होकर वन लगाने का कार्य करे, वो सामाजिक वानिकी कहलाती है। फार्म वानिकी, फार्म का मतलब होता है अपना खेत, है ना, यानी खेतों पर किस प्रकार से वन लगाया जा सकता है, खेतों के जो चारों ओर मेड़ होती है उस मेड़ बंदी की जगह पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं, ऐसी जगह जो काम की नहीं है, जो भूमि बंजर है, वहां पर वन लगाए जा सकते हैं, खेतों के जाने के रास्ते हैं उनके दोनों ओर पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो खेतों के अंदर वानिकी जो होती है फार्म वानिकी है। दूसरा है कुछ आपके फलों वाली फसलें लगाए, जैसे संतरों की लगा दी, पपीता का पेड़ लगा दिया, ऐसे पेड़ होते हैं जो आपके फल का, फल फलों की खेती भी हो जाएगी, साथ में अपना पेड़ लगाने का टारगेट भी पूरा आ जाएगा। तो ये जो आता है फार्म वानिकी में, है ना, तो सामाजिक वानिकी कई बार शब्द आता है इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, फार्म वानिकी दोनों ही सरल शब्द है। उसके बाद अपन लेते हैं भारत में वन्य प्राणी संरक्षण, अभी तो हमने प्राकृतिक वनस्पति के संरक्षण की बात की है, अब अपन बात कर रहे हैं वन्य प्राणियों का संरक्षण, यानी जंगलों में रहने वाले जीवों का संरक्षण, है ना। तो भारत ने सबसे पहला अधिनियम बनाया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, 1972 में अधिनियम बनाया था। उससे पहले वन्य जीवों के शिकार पर या किसी तरह के मतलब उसको मारने वगैरह पर कोई सजा का प्रावधान नहीं था, लेकिन 1972 अधिनियम के बाद में भारत सरकार ने वन्य जीवों के जो शिकार करने पर सजा का प्रावधान किया, जुर्माने का प्रावधान किया है, कई तरह की रोक इसमें लगाई है। तो ये जो था सबसे पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में, डेट आप केवल सन आपको याद रखना है, सबसे पहला वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, 1972 में। क्या काम था, तो शिकार करने वाले को सजा मिलती थी, है ना, शिकार हो चाहे पेड़ काटना हो, दोनों में इसमें सजा का प्रावधान था। उसके अंतर्गत ही हमने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण बनाए। सबसे पहले इन दोनों में फर्क क्या है, है ना, टोटल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं 106 और टोटल वन्य जीव अभ्यारण कितने हैं 567, ये करंट डेटा है, 2020 के बाद का डेटा है। एनसीईआरटी बुक में भी यही लिखा हुआ था, यहाँ 103 लिखा हुआ है और यहाँ 563 लिखा हुआ है, ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन अपन करंट डाटा ही पढ़ते हैं, है ना। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है और वन्य जीव अभ्यारण क्या होता है, इसमें फर्क देख लो आप। राष्ट्रीय उद्यान ना, इसमें मनुष्यों के प्रवेश एवं किसी भी प्रकार की गतिविधि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होता है,
पूर्ण रूप से प्रतिबंध होता है, यानी आदमी बिना अनुमति अंदर जा ही नहीं सकता, है ना। बिल्कुल, जैसे कोई फिल्म की शूटिंग हो और चाहे कोई भी काम हो, इसमें मनाही है, बिल्कुल अति आवश्यक होने पर परमिशन की छूट मिलती है अंदर जाने की, वरना अंदर जाने ही नहीं दिया जाता है ना। एकदम गवर्नमेंट के अंडर में है ये, इसलिए राष्ट्रीय उद्यान है, भारत सरकार इस पे नजर रखती है, इनके रेंजर फॉरेस्टर गार्ड वगैरह लगे हुए होते हैं, अंदर जाने पर, अंदर पेड़ काटने पर, अंदर शिकार करने पर, अंदर पशु चराने पर, सब में प्रतिबंध होता है। वन्य जीव अभ्यारण में थोड़ा सा छूट होता है, वन्य जीव अभ्यारण में थोड़ा सा छूट होता है ना, इसमें इसमें प्रवेश एवं पशु चराने तथा लकड़ियां इकट्ठा करने एवं जड़ी बूटियां इकट्ठी करने की छूट होती है, छूट होती है। जो ट्राइबल एरिया है, जो अनुसूचित जनजाति के लोग है या जंगलों में निवास करते हैं, जैसे गरासिया है, बील है, उनको कुछ हद तक इनके अंदर जाने की या पशु चराने की, यहाँ से वनस्पतियां वगैरह लाने की और यहाँ से सूखी लकड़ियां इकट्ठे करने की छूट होती है, यानी यहाँ पर भी पेड़ नहीं काट सकते अरे, और यहाँ पर भी वन्य जीवों का शिकार नहीं कर सकते। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान जितना प्रतिबंध नहीं है, राष्ट्रीय उद्यान की तुलना में प्रतिबंध कम है। दूसरा, ये किसके अंदर होता है, इनका जो भी काम जो करना है वो राज्य सरकार को करना है। ऊपर जो है राष्ट्रीय उद्यान, ये तो राष्ट्रीय सरकार करती है, केंद्र सरकार लिखते ठीक रहेगा उसके लिए, है ना। इनका काम तो केंद्र सरकार संभालती है ना, बजट वगैरह का, और नीचे जो अभ्यारण है उनका काम राज्य सरकार के हाथ में होता है ना। ये इन दोनों में फर्क है। और टोटल राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो 106 है और राष्ट्रीय अभ्यारण पूछे तो 567 है। ये डाटा आप याद रखें। राजस्थान में भी पहले 3 राष्ट्रीय उद्यान थे, अब शायद 5 का कह रहे हैं कि अनुमति 2 को और मिल गई तो 5 हो जाएंगे, है ना। तो ये मैंने आपको राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण में फर्क बताया, दोनों की संख्या कितनी है, इसकी 106 है राष्ट्रीय उद्यान की, अभ्यारण की 567 है। और कब आया था वन्य जीव अधिनियम, 1972 में, ये चीज आप याद रखें। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उद्यान में कुछ डाटा मैंने लिया है, हालांकि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण का पूरा एक चैप्टर अलग से है, वो पूरा अपन पढ़ेंगे, कहां कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है वो देखेंगे, लेकिन अभी तो इसका नाम आया ही है तो कुछ इसके बारे में बता ही देता हूं। पहला राष्ट्रीय उद्यान था वो था हेली राष्ट्रीय उद्यान, वर्तमान में नाम चेंज है, हेली राष्ट्रीय उद्यान था, वर्तमान में नाम जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। उस समय जिस समय बनाया था उस समय ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन अभी जो है वो उत्तराखंड का हिस्सा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड उस समय एक ही थे, है ना। हेली राष्ट्रीय उद्यान पहला राष्ट्रीय उद्यान है ना। फिर है एरिया वाइज सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कई बार पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा और राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, वहां 4400 किलोमीटर स्क्वायर का हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है साउथ बैटन द्वीप, है ना, 0.03 किलोमीटर, मतलब 200-300 मीटर के आसपास आपके ये उद्यान है ना। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान विशेष है, इसलिए मैंने बताया, एक झील है मणिपुर में लोकटक झील ना, मणिपुर में लोकटक झील, लोकटक झील काफी फेमस झील है, खूब सारा पर्यटन क्षेत्र है, लोग देखने जाते हैं। उसके ऊपर एक उद्यान है कैपुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ऐसा लगता है कि पेड़ पौधे झील पे तैर रहे हैं ना, क्योंकि बीच बीच में पानी भरा है, बीच बीच में बहुत सारे पेड़ पौधे नजर आते हैं, काफी फेमस है
है ना, देख देख के जैसा स्थान है तो नाम याद रखना, कहाँ पे है? मणिपुर में है। नाम क्या है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। किस झील में है? तो लोकटक झील में स्थित है। कौन सा राज्य? मणिपुर में है ना। तो एक कुछ डेटा था राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली राष्ट्रीय उद्यान, जिसका अब नाम जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तराखंड की भूमि पर है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो भारत का सबसे बड़ा जिला कहलाता था लद्दाख, अभी तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, तो वहां पर 4,400 किलोमीटर बड़ा है ये। और सबसे छोटा है साउथ बेटन द्वीप जो है अंडमान निकोबार में, और तैरता हुआ है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में लोकटक झील, है ना। आगे कुछ प्रोजेक्ट भारत सरकार ने चलाए हैं जो कुछ विशेष जीवों के संरक्षण के लिए है। बहुत सारे प्रोजेक्ट है, लेकिन ज्यादा जो पूछे जाते हैं इसमें प्रोजेक्ट टाइगर, भारत का राष्ट्रीय जीव कौन सा है, राष्ट्रीय एनिमल कौन सा है? अपने बाघ है, टाइगर है। तो उस टाइगर की सुरक्षा के लिए हमने 1973 में एक परियोजना बनाई जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। 73 में क्यों बनाई? क्योंकि 72 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। उससे पहले तो अपने कोई कानून था ही नहीं, जीवों को मारने के बारे में, शिकार करने के बारे में कोई कानून नहीं था। 1972 में जब पहला कानून बना, तो उस समय 1973 में टाइगर को सुरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर बनाया 18 राज्यों में। अपना सरिस्का अलवरवाड़ा भी है राजस्थान का, जो टाइगर टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है। रणथंभौर भी है। तो फिर एक प्रोजेक्ट एलिफेंट बनाया हाथियों के संरक्षण के लिए, काफी बाद में बना, 1992 में। केवल सन याद रखना, ज्यादा कुछ भी याद नहीं है। अब इस वजह से प्रोजेक्ट टाइगर की वजह से 2006 में भारत में बाघ थे 1,411, जो दुगने से भी ज्यादा हो गए। 2020 में हो गए लगभग 3,000, 2,967 बाघ है। अभी तो और बढ़े हैं, ये 2020 का डेटा है ना। विश्व में जितने भी बाघ हैं उसका 70% भाग भारत में है। इसका रीजन यही था कि भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर बनाया और बाघों को संरक्षित करने के लिए बाघों के विशेष अभयारण्य बनाए, जहां पर सिर्फ बाघों के लिए ही उसका संरक्षण किया गया। उसका फायदा भी हमें मिला कि 1,411 बाघ थे, उसकी जगह 2,967, लगभग 3,000 के आसपास बाघ वर्तमान में हो गए हैं। और अभी भी बाघ के संरक्षण के लगातार अभयारण्य की संख्या गवर्नमेंट जो है बढ़ा रही है ना, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय जीव है बाघ, इसलिए जरूरी है, राष्ट्रीय पशु है, इसलिए उसका संरक्षण करना भी जरूरी है ना। फिर है अपन भारत में कुछ जीव मंडल नीचे। अब ये नाम नया लग रहा है आपको, ये लिख देता हूं अंग्रेजी में। इसको कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, ताकि आपको नाम नया नहीं लगे। हिंदी में कहते हैं इसको जीव मंडल नीचे, है ना। भारत में टोटल जो है 18 जीव मंडल नीचे शामिल है, टोटल 18 जगह पे। मैंने नाम टेबल नहीं लिखी है, क्योंकि टेबल लिखने से आपको कोई याद नहीं रहेगा। केवल यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट कर रखा है, वो नाम पढ़ दूंगा और आपको राज्य बता दूंगा, ताकि आपके 18 के 18 आपको ध्यान रहे। हालांकि कोई कभी पूछ भी ले अपने कि भाई ये जीव मंडल नीचे किस राज्य में आता है, पूछा भी जाता है। RS से लेकर पटवारी तक के कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन इसका फिक्स आना है, बायोस्फीयर रिजर्व का, के नौ ग्रेग बायोस्फीयर रिजर्व का है ना, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का है। तो एक बार आप यहाँ आके बता देता हूँ, ताकि आपको ध्यान रहेगा, है ना। 18 ही बता देता हूँ, है ना। सबसे पहला जो अपन उत्तर से शुरू करें, है ना, उत्तर से शुरू करें तो सबसे पहला जो है ठंडा मरुस्थल कहते हैं ना, कोल्ड रेगिस्तान लिखा हुआ, कोल्ड डेजर्ट लिखा हुआ, ये देखो यहाँ पे, है ना, ठंडा मरुस्थल। ये भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है, और ये है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में, खास करके जम्मू कश्मीर का एरिया ज्यादा है, कुछ एरिया हिमाचल प्रदेश का भी है। सेकंड है नंदा देवी, नंदा देवी ये है उत्तराखंड में, ठीक है। थर्ड जो है वो है कंचनजंगा, है ना, कंचनजंगा जो है वो है सिक्किम में,
कंचनजंगा, ये है सिक्किम। कंचनजंगा कुछ और याद आ रहा है आपको? कंचनजंगा भारत की, भारत में हाईएस्ट पर्वत चोटी है, क्योंकि फर्स्ट जो चोटी है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है। सेकंड जो हाईएस्ट चोटी है भारत की वो है आपके केटू गॉडविन ऑस्टिन, 8611 मीटर हाइट है और ये आपके पीओके में है। हालांकि पीओके भारत का ही हिस्सा है लेकिन अभी वर्तमान कंडीशन देखे तो पाकिस्तान का अधिकार है। थर्ड हाईएस्ट जो चोटी है कंचनजंगा, जिसकी हाइट है 8595 मीटर करके कुछ है ना, और वो जो है सिक्किम में है और वहीं पे आपके ये जीव बायोस्फीयर रिजर्व भी दे रखा है। फिर आपके दिहांग और दिबांग ना, दिहांग दिबांग जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां है ना, ये है दिहांग और दिबांग। दिहांग दिबांग, दिहांग दिबांग कहाँ है आपके? अरुणाचल प्रदेश में है। दोनों ही ब्रह्मपुत्र नदी क्या ही एक प्रकार से नाम है, समझो आप असम में या ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में चाहे भारत में एंटर होती है वहां दिहांग दिबांग ही कहलाती है ना। फिर है डिब्रू साइकोवा, क्या लिखा हुआ है? डिब्रू साइकोवा जो आपके असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर है, असम लिख देता है ना। फिर है मानस भी आपके असम में बहुत फेमस बायोस्फीयर रिजर्व है। फिर है नोक्रेक, ये आया हुआ है मेघालय में। फेमस क्यों है? क्योंकि विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा इसी एरिया में होती है, मासिनराम मेघालय चेरापूंजी जिला, उसी के आसपास नोक्रेक जो आपके बायोस्फीयर रिजर्व है ना। फिर है सुंदरवन, सबसे प्रसिद्ध स्थान सुंदरवन, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है ये, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। क्यों फेमस है? क्योंकि मैंग्रोव वनस्पति है यहाँ पर, मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल व बांग्लादेश में, इतना से याद रखिए। फेमस स्थान एक और सिमलीपाल पूछे तो उड़ीसा में, शेषचलम जो है आंध्र प्रदेश में, गल्फ ऑफ मन्नार जानते हो, ये भी लिख देता हूं पहले मैं, ग्रेट निकोबार, नाम से ही पता चलता है आपको, ग्रेट निकोबार कहां पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गल्फ ऑफ मन्नार है ना, मन्नार की खाड़ी, भारत और श्रीलंका के बीच राम सेतु है, राम सेतु पर किस जगह पे? तमिलनाडु में। अगस्त मल्लई केरल में, नीलगिरी कर्नाटक की बाउंड्री पर, पंचमढ़ी कहां पे है आपके? मध्य प्रदेश में। कच्छ का रण गुजरात में, पन्ना फेमस है टाइगर के लिए मध्य प्रदेश में, अचनकमार अमरकंटक यह है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बाउंड्री पर, मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़ की सीमा का ना, ये टोटल अपने 18 आपके बायोस्फीयर रिजर्व है ना। ध्यान से देखना, ज्यादा कुछ नहीं है। ठंडा मरुस्थल जम्मू कश्मीर 1, नंदा देवी उत्तराखंड 2, कंचनजंगा सिक्किम 3, दिहांग और दिबांग अरुणाचल प्रदेश 4, डिब्रू साइखोवा असम में 5, मानस असम में 6, नोक्रेक मेघालय में 7, सुंदरवन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में 8, सिमलीपाल उड़ीसा में 9, सेशलम आंध्र प्रदेश में 10, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में 11, राम सेतु पर गल्फ ऑफ मन्नार 12, अगस्त मलई 13, नीलगिरी जो केरल गन्ना की सीमा पे है 14, पंचमढ़ी जो मध्य प्रदेश में 15, अचानक मार और अमरकंटक ना जो आपके 16, कच्छ कारण है ना गुजरात में 17 है ना, और पन्ना मध्य प्रदेश में 18। मैंने मैप के अंदर आपको ये 18 ही बायोस्फीयर रिजर्व बता दिए है ना। कल जो आपके अपन लेंगे जो राष्ट्रीय उद्यान है प्रमुख और वन्य जीव अभ्यारण्य है जो भारत में फेमस है ना, जो ज्यादातर परीक्षा में, हालांकि बहुत ज्यादा इनके आप देखोगे तो इनकी संख्या काफी ज्यादा है। राष्ट्रीय उद्यान ही 106 है, वन्य जीव अभ्यारण्य 567 है। एक एक अगर पढ़ेंगे, एक एक याद रखने के बोले तो ना तो आपको याद रहता ना ही मुझे याद रहता है। तो जो जो वन्य जीव अभ्यारण्य ज्यादा फेमस है, जो जो परीक्षाओं की दृष्टि से प्रसिद्ध है, वो अपन कल के डेट में देख लेंगे। आज आपको केवल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज जो मैंने बताई है वो बताई है भारत में जीव मंडल नीचे या कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। पूरे 18 के 18 मैंने मैप में बताए हैं। आपको क्या करना है, खाली मैप लेकर उस मैप में भर के अपने जहां पे भी पढ़ते हो उस दीवार पे चिपका देना है। एक ही बार में कभी भी आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।